तो अभी हमने काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए थे जन्मभूमि के, तो अभी हम जो निकल चुके हैं रमण रेती के लिए निकल चुके हैं, लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हैं, और जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमें देखने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने हमारे पुराने ब्लॉग नहीं देखे तो पुराने ब्लॉग देख लीजिए। बाकी का बताते हैं कि रमण रेती में काफ़ी ज़्यादा रेत है और सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर जाके। तो अभी हम आ गए हैं गोकुल में, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि गोकुल में पधारने के लिए। तो अब गोकुल के बाद सीधा रमण रेती पहुँचने वाले हैं। जैसे ही हम गोकुल से निकले और वहाँ से थोड़ा ही सा दूर, लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर रमण रेती है, तो गोकुल के पास बहुत सारे लोग रोकते हैं क्योंकि गोकुल मंदिर उधर ही है। तो हम अभी रमण रेती आ चुके हैं। ये है एंट्री गेट और यहाँ से अंदर जाना है रमण रेती के लिए। देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये आश्रम की तरह कुछ लोग बैठे हुए हैं इधर पे, और यहाँ पे सभी भक्तगण लोग सभी अंदर जा रहे हैं। फाइनली रमण रेती हम आ चुके हैं, और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी सुबह सुबह अभी 9 बज रहे हैं, और 9 बजे से ही इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो घरों की बनी हुई स्टाइल है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, जो डिज़ाइन किए गए हैं। बाकी का चारों तरफ लोग ही लोग घूम रहे हैं, और इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि रमण रेती नाम से ही पता चलता है, तो यहाँ पे इतना सारा रेत है और सभी लोग यहाँ पे आके अपना एंजॉय कर रहे हैं, और रेत किसी से लगता नहीं, मतलब चिपकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे भीड़ है जो कि रेत में खेल रहे हैं बच्चों की तरह। तो आप देख सकते हैं सभी लोग इधर, रुतवी भी आई हुई है, मम्मी वगैरह सभी लोग यहाँ पे सभी खेल रहे हैं। तक आपने सभी लोग रेत से, धूल से, गंदगी से बचते हुए देखे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी लोग इसी रेत में मतलब लेट रहे हैं, घूम रहे हैं। इधर रुतवी को देखो, भैया ने गंदा कर दिया है। तो ये देख सकते हो रुतवी की हालत क्या हो गई है बदला लिया जा रहा है पूरा पूरा, क्योंकि इसने पूरे रास्ते हमें परेशान किया, अब हम इसे परेशान करेंगे। ओए होए रुतवी, इधर देखो, तो इसने पूरे रास्ते परेशान किया, अब देखो रेती रेत रेती रेत। यहाँ पे सभी एंजॉय करने में लगे हैं अपना अपना, कोई रेत में खेल रहा है। तो रुतवी का जाने का मन नहीं हो रहा, चलो चलो बेटू चलो 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 आ जाओ। रुतवी यहाँ पे रुक चुकी है जाने के लिए, तैयार नहीं हो रही। महाराज देखो कैसे बैठे, चलो चलो बेटू चलो चलो। तो अभी चलते हैं सीधे मंदिर में, मंदिर में देखते हैं कि क्या क्या है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है, शोर शराबा हो रहा है, आवाज़ आ रही है, तो मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे कुछ गुरु इनके बारे में समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कृष्ण जी के बारे में बताई जा रही हैं, कृष्ण जी की लीलाएं बताई जा रही हैं लोगों को। तो अब चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान के। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से भगवान हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मंदिर के अंदर भी। और यहाँ पे कुछ गुरु जी हैं, हनुमान जी हैं, और अपने ये राधा रानी, तो इनके भी मैं दर्शन करा दूँ राधा रानी के।
तो दर्शन काफ़ी आसानी से हो गए, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। फ़ोन में बड़ा इशू रहता है इस वाले में, कभी तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, कभी और भी चीज़ें हैं। बाकी का यहाँ पे आश्रम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आश्रम आए हैं, आश्रम बनाए हुए हैं। मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, ये कुटिया बनाई गई है और इनका जो डिज़ाइन है वो अभी भी पहले की तरह है, जो पुरानी कुटिया होती थी उनकी तरह डिज़ाइन बनाया गया है। और यहाँ पे नाम लिखे गए हैं गुरुओं के जिनकी ये कुटियाँ हैं, और आप देख सकते हैं ऋषि पाराशर वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो वो सभी की ये कुटियाएँ हैं जहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं। तो यहाँ पे रुतवी तैयार हो चुकी है मिट्टी खाने के लिए, अब स्पीड बढ़ गई है रुतवी की। देखो 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 स्पीड इसकी, मिट्टी के नाम से तो भाई साहब इसके ताकत आ जाती है, एनर्जी बूस्टर है इसके लिए मिट्टी। आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं कि देखो हाथी घंटी बजा रहा है और भगवान की कथा चल रही है, आरती हो रही है, और यहाँ पे हाथी देखो रियल में घंटी बजा रहा है। मिट्टी खाने के लिए देखो स्पीड, मम्मी ने बोल दिया मिट्टी खाने चलो, तो स्पीड बढ़ गई। तो लगातार आरती चल रही है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी जगह हैं घूमने के लिए, तो उधर जाने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक लुक है वो बस इधर ही तक का है कि रेत में लोग खेलते हैं एंजॉय करते हैं, उसके बाद आगे जाने का भी रास्ता है। बोला जाता है कि अगर आप घूमो तो पूरा दिन लग जाए यहाँ घूमने में, तो बाकी का आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इन्हें कुटिया बोलते हैं, और पहले लोग रहते थे, और यहाँ पे पीछे कुछ रहने की जगह हैं लोगों की आप देख सकते हैं, और पेड़ पौधे तो हद से ज़्यादा हैं यहाँ पे। रुतवी मिट्टी ला के देखो ऊपर फेंक रही है, ओए 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 नहीं तो मिट्टी उठा रही है और फेंक रही है, पकड़ लो ट्रैक्टर आ रहा है। ओ बेटू नहीं 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 नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद हम फाइनली एक ऐसी जगह आ गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्तन रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा टोंटी लगी हुई हैं, और रुतवी वापस पीछे ही भागने में लगी है। तो यहाँ पे देखते हैं शायद खाना मिलता है, और एक बार जाके देखते हैं मिलता है तो कैसा मिलता है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इतनी बड़ी है कि जिधर से निकल जाओ कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं। तो अभी वैसे 9:30 बज गए हैं, और बाहर कहीं जाएंगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, और यहाँ पे इस चीज़ का पता भी नहीं चल रहा कि गर्मी है, क्योंकि पेड़ों की वजह से इतना ठंडा है। और आप देखो चारों साइड काफ़ी अच्छा माहौल है, एकदम अच्छा माहौल बना हुआ है इधर का। ये है किचन जहाँ पे खाना बन रहा है भक्तों के लिए, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है अंदर। और ये बैठने की जगह हैं जहाँ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं अंदर आके, तो ये लोगों के बैठने की यहाँ पे व्यवस्था करके रखी है। भंडारा 11 बजे से चालू होगा जब तक यहाँ पे लोग बैठते हैं। तो यहाँ पे ये झोंपड़ियाँ हैं बैठने के लिए, लकड़ी की कुर्सियाँ हैं चारों तरफ, इस तरह से बनाया गया है, एक यूनिक ही डिज़ाइन है, यूनिक ही लुक है। तो फाइनली मतलब हम लोग काफ़ी अच्छे से घूम लिए, और रुतवी ने तो इतनी शरारत की हद से ज़्यादा, और वहाँ पे मतलब मिट्टी में इतनी खेली कि सिर में मिट्टी भर ली, इधर उधर मिट्टी मिट्टी हो गई। तो अभी मैं और रुतवी घूमने में लगे हैं, यहाँ पे भंडारा तो लेट शुरू होगा तो हम लोग बाहर से ही कुछ खा लेंगे, और रास्ते में दाऊजी पड़ेंगे तो दाऊजी भी घूम के आएंगे,
तो आप सभी मतलब ब्लॉग्स देखते चलिए जिससे आपको इतने सारे ब्लॉग मिल पाए, क्योंकि जन्माष्टमी का समय या तो ये ब्लॉग अपलोड हो चुका होगा या आने वाला है, तो काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रुकने की व्यवस्था इतनी यूनिक क्यों है, और पेड़ों के नीचे गर्मी के तो कोई भी चांस नहीं कि गर्मी लगे यहाँ पे, मतलब ऐसी एसी जैसी सुविधा यहाँ पे है पेड़ों की वजह से। ओ बेटू, वैसे यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधाएं हैं, और यहाँ पे देखो सभी लोग मतलब बच्चों की तरह खेलने में लगे हैं, और झूले वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और सामने ये सभी लोग नहाने में लगे हैं। पीछे की साइड ये कुंड है, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, कुंड को भी। और यहाँ पे सभी लोग बच्चे बन गए, मतलब रमण रेती की ये बात है कि जो लोग आते हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ों को भूल के अपना मतलब बचपन याद आ जाता है कि हाँ मौज मस्ती, कोई टेंशन नहीं, रेत में घूम रहे हैं, बच्चों की तरह खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखो। तो हम लोग ना वृंदावन गए, और भी जगह गए, लेकिन मेरे को पर्सनली ये जगह सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी। एक तो कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे धंधा करना, तो वो काफ़ी जगह होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। प्लस सुविधा की बात करें तो सभी सुविधाएं हैं, और जगह ज़्यादा बड़ी है इसलिए भीड़ दिखती नहीं, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, जगह बहुत है, तो लोग इधर उधर बढ़ जाते हैं। तो बाकी का हम घूम घूम के देख रहे हैं यहाँ पर और चीज़ों को भी। यहाँ पर ये लोग झूलने के लिए तैयार हो गए, चलो चलो। मैं तो पान पहुंच ही ना रही, हम पहुंच गए सर। ओ झूल लिए, ये बचपन के खेल थे, बचपन में झूला करते थे, लेकिन आज बड़ा मतलब इतने दिनों बाद, मतलब सालों बाद, दिनों तो नहीं कह सकते, झूल रहे तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है, मतलब पैरों में ऐसे लग रहा था हल्का हल्का सापन, तो काफ़ी अच्छा है। तो रुतवी को झूले से उतार दिया इसलिए रुतवी रोने में लग गई। अब चलते हैं कुंड में, और नहाने वाले तो है नहीं क्योंकि कपड़े रखे हैं गाड़ी में, तो बस ये है हाथ पैर तो धो ही लेंगे कम से कम, अगर नहाए नहीं तो। तो चलते हैं, और ये थैला देखो मैंने लगा लिया, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे महाराज जी वाली फीलिंग होती है ना वो वाली, और गले में साफ़ी डाल के वह पूरे मथुरा वृंदावन रमण रेती सभी जगह आराम से घूमने में लगे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है भाई साहब, और ये आप देख सकते हैं रमण रेती में सभी लोग डुबकी लगाने में लगे हैं। और तो बस हमने यही गलती कर दी कि हम लोग ना कपड़े लेके नहीं आए, बाकी का सभी लोग आराम से डुबकी लगा रहे हैं, लगाने के लिए अभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यार आए यार, तो पीछे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाकी का बीच में बैरियर दिया हुआ है, इससे पार नहीं जा सकते, शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो फाइनली नहा धो के निकल गए, मैंने भी सोचा था कि ऐसा करूँ मैं भी, डुबकी लगा लो भाई साहब, मौका मिल रहा है तो लगा लो, फिर आए या ना आए। तो देखो बाल गीले हो गए और थोड़े साफ से भी लगने लगे, क्योंकि कल से ऐसे ही आए हैं, कल सुबह के ही निकले थे और सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं, नहाए धोए हैं नहीं कहीं पे, तो अब नहा लिए, थोड़ा फ्रेश सा भी फील कर रहे हैं। अब सीधा यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे कुछ हिरन वगैरह भी हैं उधर पीछे की साइड, तो ऐसे घूमते हुए निकलेंगे, तो वो भी दिखाते हुए निकलेंगे आप लोगों को। तो अभी सीधे बाहर निकलते हैं, और अभी 10:30 बज चुके हैं, और अब तो भूख लगना भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सुबह से ऐसे ही निकले हैं, और जन्मभूमि पर हमने बस एक चाय का गिलास पिया था। तो अभी देखते हैं वैसे बाहर कुछ अच्छा सा मिल जाए, एक तो बाहर जितनी भी दुकानें होती हैं उन पर रखा हुआ खाना मिलता है, तो ये भी एक इशू है, देखते हैं कुछ मिल जाए तो खाने पीने के लिए। तो अभी हम जहाँ से निकल रहे हैं वो ऐसा जंगल जंगल जैसा है, और यहाँ से सीधे निकलते हुए हम लोग जा रहे हैं, साइड में आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी है क्योंकि घूमने के लिए, और ये जंगल ही है, जंगल टाइप का नहीं, जंगल में ही बनाया गया है चारों तरफ, तभी इतने पेड़ पौधे हैं, बस कुछ जगह को अच्छा कर दिया जिससे लोग बैठ सकें रह सकें, तो साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छी है।
तो अभी यहाँ पे एक गौशाला है, उसमें आ गए हम। तो इधर काफ़ी ज़्यादा जगह है घूमने के लिए। ये जो घाट था या जो जहाँ पे हम लोग नहा रहे थे उसके जस्ट बगल में ही है। तो इधर से अगर आपको दिख रहा हो, उधर की साइड लोग नहा रहे हैं और हम इधर की साइड घूम रहे हैं। ये गौशाला, यहाँ गाय वगैरह रहती हैं। और तो ये गौशाला है, इधर गाय वगैरह रह रही हैं, अंदर की साइड भी गाय रह रही हैं। और इधर पूरा ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं। अभी मौजूद हैं हम रमण रीति में और यहाँ बहुत ही आनंद आया। अभी यहाँ में इस कुंड में हम नहाए हैं। इस कुंड का मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कहाँ है। इस कुंड में नहाए हम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और फुल एंजॉय करके यहाँ से जाते हैं। तो फाइनली हम लोग रमण रीति से निकल गए हैं और काफ़ी ज़्यादा समय हमने यहाँ पे बिताया था और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। अब हम सीधा आगरा के लिए निकल रहे हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे देखने लायक चीज़ मिलेगी तो हम लोग देखेंगे।